नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी जेई का CBT 1 का रिजल्ट आ गया है, कट ऑफ मार्क्स भी आ गए हैं। तो जो मैंने बताया था कि 55 से 60 नंबर ला रहे हैं तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो एग्जैक्टली 2-3 नंबर वेरी कर रहा है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैंने बताया था रॉ नंबर, और उसके बाद आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं वो बढ़े हैं, तो तकरीबन 70 के, या आप कह सकते हैं 56-57, इस तरह से जो आपके रॉ नंबर हैं और जो आपके नॉर्मलाइजेशन बढ़े हैं वो तकरीबन 65 से 70 तो बढ़े ही हैं। तो इसकी वजह से आपका जो कट ऑफ है वो तकरीबन मैंने सही ही बताया था। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कट ऑफ क्या है। पहले तो हम तिरुवनंतपुरम के वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बाद अभी हालांकि सभी वेबसाइट पर नहीं आया है, अभी तिरुवनंतपुरम पर ही आया है, तो इसमें देखते हैं कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में अगर आपने भरा है तो आप देखेंगे कि आप CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड है या नहीं है। यहाँ पे आप आके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, ये PDF में आपका रोल नंबर पड़ा होगा। ठीक है, तो हम नीचे चले आते हैं, नीचे आके देखने की कोशिश करते हैं कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इसमें शॉर्टलिस्टेड हुए हैं 2000 कैंडिडेट। अगर बात करते हैं कि कौन से जो ब्रांच है उसमें कितने कट ऑफ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देख लेते हैं तो सिविल में 60 के तकरीबन गया है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा सिविल है, ये जो कैट नंबर 3 है वो सिविल को डिनोट कर रहा है, ठीक है, पीवे को डिनोट कर रहा है, तो उसमें 60 गया है। तो यानी कि मैंने बताया था कि अगर आप 40, 55 और 50 यानी कि इतना के लगभग लाते हैं तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो रॉ नंबर बताया था, तो रॉ नंबर के बाद ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, तो लगभग उससे कम ही गया है सिविल में, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा गया है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, और SNT में थोड़ा सा ज़्यादा गया है, 1-2 नंबर ज़्यादा गया है। अगर बात करते हैं 12 नंबर का, तो 12 नंबर में बोल रहा है जूनियर इंजीनियर बैक्स, तो इसमें अगर हम UR की बात करते हैं, बाकी तो आप देख सकते हैं OBC वगैरह में तो और भी कम गए हैं, तो वो सब तो आपके मतलब कि लगभग मेरा जो अनुमान था वो लगभग सही गया है। तो अगर बात करते हैं 12 नंबर के, तो 12 नंबर बता रहा है जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप, यानी कि ये वाला है जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप के लिए, तो इसमें कट ऑफ गया है 61 नंबर। SC में गया है 33 नंबर, 33.5 नंबर लगभग, मैं पॉइंट वाला नहीं बता रहा हूँ लेकिन आप समझ जाएंगे, देख लेंगे। उसके बाद 15 नंबर को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है जूनियर इंजीनियर कैरिज एंड बैगॉन, यानी कि ये मैकेनिकल वाला डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल में गया यहाँ पे 72। और अगर बात करते हैं 17 नंबर, तो 17 नंबर भी जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल वाले ट्रेड में ये भी है, तो इसमें कितना गया है इसमें देखने की कोशिश करते हैं, 76 गया है। और 40 नंबर का जो कैट नंबर है, 40 नंबर क्या दिखा रहा है, जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल, यानी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ये भी इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, लेकिन आप देख लेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से 17 नंबर दिखा रहा है या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, वो 76 गया है। अगर 40 नंबर की बात करें, तो 40 नंबर वाला भी मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल वाले का थोड़ा सा कट ऑफ गया है, 72 के अराउंड गया है, तो ठीक है, मैकेनिकल में यहाँ पे कम वैकेंसी होंगे इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा गया है। लेकिन अगर 44 नंबर की बात करें, तो 44 में इलेक्ट्रिकल है और काफ़ी कट ऑफ अच्छा खासा गया है, क्योंकि इसमें कम वैकेंसी थे, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ 76 गया है, जो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गया है। अगर बात करें सिविल की, सिविल की अच्छी खासी वैकेंसी थी, इस वजह से इसमें थोड़ा कट ऑफ कम गया है सिविल की। अगर 53 नंबर की बात करें, तो 53 नंबर में यहाँ पे दिखा रहा है इलेक्ट्रिकल ही, इलेक्ट्रिकल यानी कि 73 इसमें भी गया है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं SC की, तो 54 गया है, तो काफ़ी कम गया है, तो 54 वाले यानी कि SC वाले का लिए तो थोड़ा मजा मजा है यहाँ पे। अगर 63 नंबर की बात करें, तो 63 नंबर में जूनियर इंजीनियर SNT, जो कि फिजिक्स वाले जो बंदे हैं, BSc वाले बंदे हैं, उनके लिए है, तो वो अगर हम बात करें 53 नंबर की, तो 53 या 63, हाँ 63 की बात कर रहे हैं, 63 में जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ वाले बंदे हैं, उनका जो कट ऑफ गया है वो 74 गया है। ऑब्वियस है, थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि उनका वैकेंसी कम है। अगर 64 नंबर की बात करें, तो 64 नंबर भी आपके यहाँ पे, 64 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये भी आपके मैथ्स और फिजिक्स वाले वैकेंसी है, तो इसमें भी 72 गया है। ये मैं सिर्फ UR की बात कर रहा हूँ, बाकी सभी में कम ही गए हैं। आप देखेंगे सर्विस मैन की, तो एकदम से आधा से भी नीचे गया है, और उसके बाद OBC में लगभग सटा हुआ है, एकदम से 69 गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ा जो कट ऑफ है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा ज़्यादा गया है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, 1-2 नंबर ज़्यादा गया है। मैं थोड़ा सिविल का स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से थोड़ा मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो सिविल के
लगभग लाइक कर रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा गया है, क्योंकि सिविल में वैकेंसी ज़्यादा थे, इस वजह से उसमें थोड़ा सा कम गया है। और जो आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा वैकेंसी इस जोन में थोड़ा सा कम थे, सॉरी सिविल के इस जोन में ज़्यादा थे, इस वजह से कम गया है, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के कम थे, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ गया है। तो पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए, क्या इसमें क्या संभावनाएं है, किस तरह की और भी वीडियो चाहिए आपको, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।